वीडियो में बेगेना नॉट वेरी हैप्पी। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। आप देख रहे हैं आज तक इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, लगातार आप तक हम पहुंचा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से बड़ी बैठक में फैसला लिया गया है कि वो सुप्रीम कोर्ट के अयोध्या मामले में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करेगा। एक बार फिर से सुनते हैं जफर व्याप जिलानी को, ये लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त जारी है। देखिए डायरेक्शन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को, मुस्लिम कम्युनिटी को डायरेक्शन नहीं है। तो मुस्लिम कम्युनिटी अगर लेने को तैयार नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं है। डायरेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमको नहीं डायरेक्शन। तो ये कंटेम्प्ट नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं। तो उनका एक पार्टी को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो पार्टी का नाम हाफिज सिद्दीक साहब था जो यहाँ प्लेंटिव थे, वो उनकी डेथ हो गई। अब मौलाना अरशद रशीदी की जगह पे आ गए हैं, उसकी पैरवी जमीयत उलमा कर रही है। तो ठीक है, उसकी तरफ से वो करेंगे। जितने पार्टियाँ हैं सबकी अलग अलग रिव्यू पटिशन पड़ सकती है और पड़ेगी। क्या जमीयत तैयार है सर? अब ये आप कह रहे प्रेस रिलीज आएगी, मुझे नहीं पता, इनको मिली तो आपको मिलना चाहिए। वो मौजूद थे हमारी मीटिंग में, मौलाना अरशद रशीदी। हाँ, वो आज थे। उन्होंने कहा था जो बोर्ड फैसला करेगा वो हमारी। आप लोगों ने दिल्ली में बोर्ड बुलाया था आज, लेकिन नहीं आया। 26 को लोग बैठक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि रिव्यू पिटीशन हम नहीं करेंगे, लगातार बयान नहीं किया रहे हैं। आप लोग मनाने जाएगा, उनसे बात करने जाएगा, क्योंकि आप लोगों ने निमंत्रण दिया था कि आप लोग आइए बैठिए। देखिए ऐसा निमंत्रण उनको पहले भी जाता रहा है, उसी लिहाज से आपकी भी गया था। कभी कभी वो आए हैं, पिछली मीटिंग में नहीं आए थे, इसमें नहीं आए, तो निमंत्रण दे देना हमारी ड्यूटी थी, आना रहना उनका अख्तियार है। इकबाल अंसारी का जो बयान आ रहा है, क्या मानना है कि मतलब क्यों ऐसा वो कह रहे हैं? अब ये क्यों, तो उनसे पूछे आप, हमें क्या पता क्यों ऐसा कह रहे हैं सर? आप हमें ये इतला है, कल हमारे जो अयोध्या से लोग आए थे वो कह रहे थे कि वहाँ का डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन दबाव डाल रहा है कि आप फैसले के खिलाफ बयान न दीजिए। वहाँ के लोगों को मना किया गया पिछले जुमे में कि आप किसी मस्जिद से बयान न जाए कि फैसले से हम मुतमिन नहीं हैं। तो इसका मतलब हो सकता है बाल साहिब का भी कोई जवाब। सर, इस मुकदमे में आप शुरू से सुनी मकबूल के वकील रहे हैं? मैं सब मुसलमानों का वकील रहा हूँ, सुनी मकबूल के रहे हैं, सुनी मकबूल का भी रहा हूँ। अभी की क्या स्थिति, आप सुनी? आज मैं सुनी मकबूल का वकील नहीं हूँ, इसलिए वो हमने रिव्यू का तय किया है, वो रिव्यू का ऐलान कर चुका, नहीं करेंगे तो हम उनका वकील कैसे? आप उस बात को खोलना चाहते हैं जिसका मैंने नहीं जिक्र किया। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।